क्या बात है, आज हमारी बहू बेटी करेगी। कपड़ा ला दीजिए, खोल अप करो मुंह टेढ़ा अप करो, फूंको कर ला तो खरी सांप आ रहा। अजीब हाल है, कपड़ा उठाई उल्टाई पुल्टाई जेरियान से तो ही पी। अच्छा मोरत बटन लुगा कीर पीने को एक जगह इसी तरह कह दिया, बोल जेर जानने से तो ही पीन ले। उसका शोर भी ठीक था, बोल ठीक है हम कुल्लू गुआ पीने घर हमला छाता छा घाटा ही तुम जो ईद गवाजी माँ ईद के नमाज पढ़ आए हो सलाम तो रे हम कर। ये महीना माहे मुहर्रमुल हराम का है, बेशक किनका है। बोल मौलविया पगले, ये महीना मुहर्रम का नहीं रमजान का है। बड़ी किस्मत वाला आदमी इस महीने को कदर करता है, सब नहीं करता है, सबसे नहीं कर पाता है। बड़ी किस्मत अच्छी होती है, अल्लाह और रसूल जिसको चाहता है अपना महबूब बनाता है वही इस महीने की कदर करता है। कुरान पढ़ के कदर किया, तरावी पढ़ के कदर किया, रोज़ा रख के कदर किया, ज़कात दे के कदर किया, फितरा दे के कदर किया, अच्छी बात बोल के कदर किया, नाते मुस्तफ़ा सुन के कदर किया, दुरूद शरीफ पढ़ के कदर किया। ईदगाह में तो सब कोई जाएगा, ईदगाह में चाहे वो ईंट परिया हो, कोला ठेलने वाला हो, चाहे नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे वो पीर हो, फकीर हो, मौलाना हो, ईदगाह सब जाएगा। लेकिन ईदगाह जाते वक्त जो पूरा रमजान में रमजान का रोजा नमाज करके जाएगा उसके चेहरे पे एक अजीब खुशी होगी, बेशक। और जो जबरदस्ती जाएगा या अल्लाह सबके मुंह देखियो लग तो महुआ कोच रहे, इतना खराब डराव। जो मोहब्बत में जाता है ईदगाह में इतनी खुशी कसम खुदा की होती रे बाप मत पूछिए। सुबह सुबह सब उठ गया भोरे भोरे, कोई दरवाजे पे झाड़ू दे रहा ईद की नमाज पढ़ने ले जाना। और जो रोजा नहीं रखा, नमाज नहीं पढ़ा, तरावी नहीं पढ़ा, वो एकदम चुपचाप बीवी से पूछ रहा है मल हमारा टोपिया कहाँ हो, बेशक क्या। फिर पूछ रहा है बेटा डर डर के, हाँ बेटा इतर यहाँ ले रे एक हमू लगा थलियो बेटा गुमसेन गन्हाई रे एक बढ़िया ला। दिन जा रहा है टुकुर टुकुर टूअर के कसम खुदा की। लेकिन नाम रोजेदार इतनी खुशी होती है, और जब घर पे कदम रखता है बीबी आगे बढ़ती है अस्सलामुअलैकुम, शोहर भी मुस्कुरा के जवाब देता है। हम लोग के देहातों में सिस्टम एक ही दिन है ईद में, अरे बाप पीन जोड़ी घर वाली दूरिया बारह भीतर तो रोपा जाओ रे बेटा ईदगाह वास आओ कते दूर ले आलो या तो रोपा सलाम करबो आज बछर के सलाम घोसिल ने दो एकदम पहन ओढ़ के दुआरी में एकदम आगे पीछे आगे पीछे। शोहर ठीक दुआरी में आगे कदम रखा एकदम बीवी दौड़ के अस्सलाम ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। और वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा ठीक ठाक देखेगी, अगर कपड़ा पसीन हुआ ठीक ठाक रहा तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा ईद में मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पाई। लेकिन नबी की बेटी फातिमा जहरा एक कपड़ों में बारह बारह पेवल लगाती थी, लेकिन जब सजदे से पेशानी को जमीन से उठाती थी ना तो कसम खुदा की मोती से ज्यादा फातिमा जहरा का सजदा चमकता। एक दिन फातिमा बाजार नहीं गई कपड़ा खरीदने, जिंदगी में कभी नहीं गई थी। मौला अली जो भी लाते थे चूम लेते थे, आंखों में सीने में बसाते थे, मेरे सरताज आप अगर पसंद किए हैं तो फातिमा इसी पे राजी। क्या बात है, आज हमारी बहू बेटी करेगी। कपड़ा ला दीजिए, खोल अप करो मुंह टेढ़ा अप करो, फूंको कर ला तो खरी सांप आ रहा। अजीब हाल है, कपड़ा उठाई उल्टाई पुल्टाई जेरियान से तो ही पी। अच्छा मोरत बटन लुगा कीर पीने को एक जगह इसी तरह कह दिया, बोल जेरियान से तो ही पीन ले। उसका शोर भी ठीक था, बोल ठीक है हम कुल्लू गुआ पीने घर हमला छाता छा घाटा ही तुम जो ईद गवाजी माँ ईद के नमाज पढ़ आए हो सलाम तो रे हम कर।
अजब हाल है। अगर एक शोहर की गरीबी हो, जैसे तैसे खरीद के ला दिए, तुम सब्र करके सब सब्र कर लेना और मोहब्बत से उस कपड़े को अपने सीने से लगा लेना, कसम खुदा की शोहर की रजा में रब की रजा है। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी की बारगाह में गए, अपने बाबा के बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह आप गैब के खबर देने वाले नबी हैं, हश्र में क्या होगा वो आपको पता है, कब्र में क्या होगा वो आपको पता है, जन्नत में कौन जाएगा वो आपको पता है, जहन्नम में कौन जाएगा वो आपको पता है, या रसूल अल्लाह सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा वो भी आपको पता है। बेशक बेशक। मेरा आका फरमाते बेटी तुम कहना क्या चाहती हो, बीवी फातिमा फरमाती या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया की औरतों में कौन सी वो औरत होगी जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। आका फरमाते बेटी सुनो सुनो, मदीने में एक औरत रहती है, वो रईस की बेटी नहीं है, सेठ की बीवी नहीं है, गरीब की बीवी है, झोपड़ी में रहती है, खजूर के पत्तों से बना हुआ घर है, उसी घर में वो औरत रहती है जिनका शोहर जंगलों में लकड़ियां काट के बाजार में बेच के अपने बाल बच्चों के लिए राशन पानी लाता है। ए बेटी सुनो सुनो फातिमा, वही औरत है जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। बीवी फातिमा चुपचाप हो गई। आका फरमाते बेटी फातिमा सोच क्या रही हो, फातिमा बीवी फरमाते या रसूल अल्लाह मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, वो कितनी इबादत करती होगी, कितनी तिलावत करती होगी, कितने सजदों पे सजदा, रुकू पे रुकू, कयाम पे कयाम होगा, या रसूल अल्लाह मैं उस औरत से भेंट करना चाहती हूँ, मुलाकात करना चाहती हूँ, कुछ बात करना चाहती हूँ। आका फरमाते बेटी फातिमा मदीने के आखिरी सरहद में उसका घर है, आखिरी चौक में उसी का मकान है, आखिरी छोर पे उसी का घर है जो खजूर के पत्तों से बना हुआ घर है, लकड़ी के दरवाजा बना हुआ है, उसी में वो औरत रहती है। लेकिन बेटी फातिमा तुम सुबह फजर के नमाज के बाद जाके मुलाकात कर लेना, चंद बात कर लेना। नबी की बेटी सुबह फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को अपने कपड़ों से, पूरे बदन को कपड़ों से ढक लेती है, छुप छुपाते आहिस्ते आहिस्ते उस लकड़हारे के घर के करीब चली जाती है। बाहर से नबी की बेटी फातिमा आवाज देती, दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन, का मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, अली की बीवी फातिमा हूँ, हसन और हुसैन की माँ फातिमा हूँ, दरवाजा खोलो आपसे मुलाकात करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती फातिमा माफ करना, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ, मेरा शोहर फजर के नमाज के बाद जंगल लकड़ी काटने चला गया है, वापस आएंगे हम इजाजत लेंगे, तब तू कल आना, तब जाके दरवाजा खोलेंगे। आज हमारी बहू बेटी करेगी। नबी की बेटी फातिमा वापस चली गई। आका फरमाते बेटी मुलाकात हुई थी, का बाबा हम तो दरवाजे पे गई, दस्तक भी दिए, अंदर से आवाज भी आई, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। का क्यों, का मेरा शोहर नहीं है घर पे, हम इजाजत नहीं लिए हैं, तुम बगैर इजाजत से हम दरवाजा कैसे खोल देंगे, फातिमा तुम वापस चली जा। मेरे आका फरमाते बेटी जरूर दरवाजा खोलेगी, कल जाना। नबी की बेटी दूसरे दिन फिर फजर की नमाज पढ़ लेती है, पूरे बदन से कपड़ों को, पूरे कपड़े उससे बदन को ढक लेती है, छुप छुपाते जाने लगती है। इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ हुसैन, फरमाते माँ हम भी साथ जाएंगे। बीबी फातिमा ने अपने बेटे हुसैन को गोद में उठा के चल दिए, फिर लकड़हारे के दरवाजे के घर में गए, बाहर से दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई कौन, कहा मैं नबी की बेटी फातिमा, कल भी आई थी दरवाजा नहीं खोली, आज फिर मैं आई हूँ, दरवाजा खोलो, कुछ बात करनी है, मुलाकात करनी है। अंदर से आवाज आती फातिमा साथ में कोई है क्या, का कोई नहीं, मेरा छोटा बाबू कलेजे का टुकड़ा इमाम हुसैन ने देख लिया, माना नहीं, मैं गोद में उठा के ले आई हूँ, दरवाजा खोलो, मेरा छोटा बच्चा शाम साथ में।
अंदर से आवाज आई, फातिमा माफ करना, मैंने इजाजत आपके लिया था, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं मांगा था। वाह 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 क्या बात, आप फिर वापस चले जाएं, मेरा शोहर जंगल से आएगा, फिर मैं इजाजत लूंगी, जब हुसैन की भी इजाजत दे देगा तब जाके दरवाजा खोलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, आज हमारी बहू बेटी, बाप रे बाप, शोहर निकला काम करने, बीवी सब एकदम 9-10 बजते बजते गली कुचम आके बैठ गई, 10 गो वहाँ, 5 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, वहाँ सीनियर वकील, वहाँ जूनियर वकील, यहाँ पुतो सब, वहाँ सास सब, चुगली बोरा लेके बैठल। कोई गुजर रही है, दीदी एक झोला तो ले जा, घर में बैठ दिया। 3 घंटा गप करने के बाद फिर उठेगी, बोल दीदी बता रह गेलो छोटकी वाला काल का। 3 घंटा चुगली बोरा चुगली करके घर, जोहर के टाइम में घर घुसी है, नमाज तो पढ़ना नहीं है, औरतें नमाज पढ़ती कहाँ है, अभी रमजान में कुछ दिन पढ़ लेगी, उसके बाद जैसे मर्द छोड़ेगा ये भी छोड़ देगी, नमाज तो पढ़ती नहीं, नमाज के तो चाची कह नमाज पढ़ते हैं। बोल मौलाना साहेब तुहे तो नहीं जानबो हमार डणवा नया नो नु कल कबर में नो तो जखन गुर्जा मर तो सिद्ध नहीं, अजब हाल है, लगे बांग्लादेश से आ रहे बैठने मन। बहुत अच्छा कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। मजा सीर सिमनानी साहब की बिला बोल अच्छी गुफ्तगू हो रही। देखिए हर कोई बोलता है स्टेज में, जितने यहाँ पे मेंबर पे बैठे हैं सब घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं। हाँ सलामतुल्लाह साहब, वारिस मुबारक साहब नाशरी पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ता, पूरा इलाका पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है, अल्लामा जसीर सिमनानी पूरा हिंदुस्तान तकरीर कर रहा है, वो अलग मसला है कि आज मुझको मौका दे दिया है। माँ बहने बहुत कसीर तादाद में आई है, थोड़ी देर सुन लीजिए माँ बहने, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ बीवी फातिमा की बात। कभी शोहर जब घर में रहे तो जो कला के दे दे फरमाइश को, शोहर जब को कुछ मांग कला के सामान खरीद के दे दे, खबरदार कभी इनकार मत करना, शोहर का दिल टूट जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, पूरी इबादत बेकार हो जाएगी। त्यौहार के टाइम में शोहर से लड़ना झगड़ना मत, है ना, जो भी बन पड़े जो भी ला के दे शुक्र अदा करना, दूसरे को मत देखना कि वो कौन सी कीमती कपड़ा पहन रही है, इबादत में दूसरे को देखो, यानी कपड़ों में मत देखो कि वो नमाज पढ़ रहा हम क्यों नहीं पढ़ रहे, वो रोजा रख रहा हम क्यों नहीं पढ़ रहे, रोजा रख रहे हैं, कपड़ों में क्यों देखते हैं कि वो 1500 का खरीदा है हम 3000 का खरीदे, नहीं वो अगर 30 रोजा रखा तो हम नफल भी 6 को रखेंगे, ये सोचो उसने 30 रोजा रखी हम नफल के 6 शवाल का 6 रोजा रखेंगे, वो नमाज पढ़ती है ना हम तहजूद भी पढ़ेंगे, वो बईद की नमाज रमजान में पढ़ के छोड़ देंगे, पारो महीना पढ़ेंगे, ये इरादा रखो अपने से, इबादत में आगे देखो दौलत में आगे मत देखो, ताकि किस्मत का सितारा चमक जाएगा। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा वापस चली गई, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते बेटी मुलाकात हुई थी, कहा बाबा मैं गई थी लेकिन इमाम हुसैन साथ हो गया, दरवाजा नहीं खुला। आका फरमाते बेटी जरूर दरवाजा खोले। तीसरे दिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा उठी, फजर की नमाज पढ़ती है, फिर पूरे बदन को कपड़ों से ढक लेती है, छुप छुपा से चलने लगती है इमाम हुसैन साथ में, 2-4 कदम चले थे बेटा हसन ने देख लिया, कहा माँ हुसैन को और आप कहाँ जा रहे हैं, सुबह सुबह हम भी तेरे साथ जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसन भी साथ हो गए, दरवाजे पे दस्तक दिए, लकड़हारे की बीवी आवाज देती कौन, कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, 2 दिन से आ रही हूँ, दरवाजा तुम खोल नहीं रही है, आज खोलो। कहा साथ में कौन कौन है, कहा मेरा बेटा हुसैन है, कहा और कोई है क्या, कहा हसन ने नहीं माना वो भी आ गया। इतना सुनना था अंदर से आवाज आई, फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं आप और आपके बेटे हुसैन की इजाजत ली थी, हसन की इजाजत नहीं ली थी, आज भी वापस चली जाए। लकड़हारा घर आया, बीवी से पूछा, नबी की बेटी फातिमा आई थी, कहा आई तो थी, कहा दरवाजा खोला, कहा नहीं खोली, कहा क्यों, कहा हमने इजाजत आपसे जो मांगा था वो इमाम हुसैन और फातिमा की थी, लेकिन हसन भी साथ हो गया था। लकड़हारा जज्बात में आ गया, जुनून में आ गए, गुस्से में आ गए, तेज में आ गए, कहे बीवी सोन कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या
इतना सुनना था। चौथे दिन नबी की बेटी फिर फजर की नमाज पढ़ के बदन से कपड़ों से बदन को ढक के छुप छुपाते आती है, दरवाजा खोलती है, जो ही दस्तक देती है अंदर से आवाज आती है, कौन का मल नबी की बेटी फातिमा। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी मचल जाती है, दरवाजा खोलती है, सामने खड़ी लकड़हारे की बीवी को फातिमा जारा देख रही है। फातिमा लकड़हारे की बीवी को देख रही है कि आका फरमाते सबसे पहले जन्नत जाएगी, कैसे जाएगी, ये अदा देखने के लिए फातिमा आई थी। नबी की बेटी देख रही है कि लकड़हारे की बीवी की आंख से आंसू बह रहा है, लकड़हारे की बीवी कांप रही है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है लकड़हारे की बीवी तू रो क्यों रही है। लकड़हारे की बीवी कहती फातिमा मैं मजबूर था, मैं चार दिन से तड़प रही थी फातिमा कि मैं नबी की बेटी कब देखूं, नबी की बेटी के चेहरे के दीदार कब करूं। ए फातिमा तुम सोच रही थी कि लकड़हारे की बीवी घमंड करती दरवाजा नहीं खोलती। नहीं फातिमा मैं मचल रही थी, मैं अंदर से रो रही थी कि नबी की बेटी फातिमा मेरे घर से वापस जा रही है। वो फातिमा का घर है जहां जिब्राइल भी आते तो इजाजत के बगैर नहीं आते, जब हसनैन करीमैन का झूला रुक जाता तो जिब्राइल जिनका झूला झूलाते वो मेरे दरवाजे पे। ए फातिमा मैं मजबूर थी, मैं अपने शोहर के मर्जी के खिलाफ सांस लेना भी जुर्म समझता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह क्या बात। दरवाजा खोल देती है, नबी की बेटी अंदर जाती है, चटाई पे बैठ जाती है। नबी की बेटी चारों तरफ देख रही है कि या अल्लाह आका फरमाते सबसे पहले जन्नत जाएगी तो कैसे जाएगी। कभी लकड़हारे की बीवी के चेहरे को देख रही है, कभी घर देख रही है, कभी दर देख रही है, कभी छत देख रही है, कभी जमीन देख रही है, चारों तरफ। लकड़हारे की बीवी पूछती है कि आप देख क्या रहे हैं। कहा वही देख रहे हैं जो मेरे रसूल ने कहा है, वही देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वही देख रही हूँ। कहा क्या। कहा कुछ तो देख रही हूँ। बात होती गई, गुफ्तगू होते गई, फातिमा चारों तरफ देखते देखते क्या देखते, एक दरवाजा है, एक कमरा है, उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई है, उस चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास रखा हुआ है, उस पानी के गिलास के बगल में खजूर के पत्ते का बना हुआ पंखा जिसको हम लोग हाथ पंखा कहते हैं वो भी सामने साइड में रखा हुआ है, साइड में एक रस्सी भी रखी है, एक छुरी भी, एक डंडा भी है। फातिमा सोचने लगी या अल्लाह ये तो पानी पिएगा पता है, पंखे से पसीना सुखाएगा ये पता है, लेकिन इसकी बीवी ने चटाई पर छुरी भी रख दिया है, डंडा भी रखा है, रस्सी भी रखा है, आखिर वजह क्या है। नबी की बेटी फातिमा गुफ्तगू हो रही है लकड़हारी की बीवी और फातिमा में गुफ्तगू होते 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 दोपहर हो गया। इतने में किसी ने दरवाजे पे दस्तक दे दिया, अंदर से आवाज गई कौन का बीवी फोल, मैं तेरा शोर लकड़हारा हूँ, जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेच के घर आ गया। इतना सुनना था। लकड़हारी की बीवी फौरन फातिमा के बारगाह से उठ जाती है, फातिमा माफ करना अब मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती फातिमा, मैं अब आपके पास गुफ्तगू बैठ के नहीं कर सकती हूँ, मेरा शोहर आ चुका है। नबी की बेटी फातिमा देखने गई थी, वही शुरू हो गया। लकड़हारे की बीवी क्या, नबी की बेटी क्या देखती कि लकड़हारे की बीवी उठती है, फौरन दरवाजे के सामने जाती है और जाने के बाद दरवाजा खोलती है मुस्कुरा के, और जू ही मुस्कुरा के दरवाजा खोलती है, शोहर अंदर आता है, सलाम करती है, झुक के मोहब्बत से हाथ पकड़ती है उसकी बीवी और लकड़हारे को उस चटाई पे जाके बैठा देती है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है कि जन्नत किस अदा में जाएगी, तमाम औरतों में जन्नत जाएगी तो कैसे जाएगी। लकड़हारे ने जू ही लकड़हारी चटाई पे बैठा, लकड़हारे की बीवी फौरन उस गिलास के पानी को उठाती है, शोहर के हाथ में दे देती है, शोहर पानी पी लेता है, फिर दोनों हाथ से गिलास पकड़ लेती है, फिर जमीन पे गिलास रख देती है, फिर पंखा उठा लेती है और पंखे को झीलने लगती है। जब शोहर का पसीना पूरा सूख जाता है बदन से, तब दोनों घुटनों के बल बीवी बैठ के कहती मेरे सरताज आप फजर की नमाज के बाद जंगल चले गए थे, इस बीच में 5-6 घंटा में घर में अकेली थी, बता मेरे सरताज मैंने कोई ऐसा काम किया जो शरीयत के खिलाफ हो, जो दिखाई दे सुन्नत के खिलाफ, मैंने कोई ऐसा काम दिखाई दिया आपको, आपके मर्जी के खिलाफ मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो आपको इससे तकलीफ हो, तो पानी पी लिए मेरे सरताज प्यास तो बुझ गई है, मैंने पसीना सूख के पंखा झील के पसीना सुखा दिया, अब अगर आपको मुझसे कोई तकलीफ हो, मुझसे नाराजगी हो तो सामने मैंने डंडा ला के पहले से रखा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आपको तलाश नहीं करना होगा, ये डंडा उठाइए मेरे पीठ पे मारिए, जी भर के मारिए, अगर मन ना भरे दिल ना भरे ना तो सामने मैंने रस्सी लाके पहले से रख दिया है, मेरे शोहर मेरे सरताज मेरे हाथ पांव को बांध के मारिए, इससे मन ना भरे तो ये तलवार सामने लाके मैंने रख दी है, मेरी गर्दन पे चला दीजिए,
लेकिन खुदा के वास्ते तू मुझसे नाराज ना होना। अगर तू नाराज हो गया तो मेरी इबादत बेकार हो जाएगी, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा। सुभान अल्लाह वाह माशाल्लाह बहुत बहुत। इन तमाम बातों को सुनने के बाद नबी की बेटी इजाजत मांगती फातिमा वापस चली गई। आका फरमाते फातिमा लगड़हारे के घर गई थी, कहा बाबा मैं गई थी। कहा क्या देखी बेटी? कहा बाबा मैं जब से गई थी नमाज पढ़ते तो नहीं देखी उसको, इबादत करते नहीं देखी, कुरान की तलावत में नहीं देखा, रुकू सजदे में नहीं देखी। कहा बेटी तब तूने क्या देखी? कहा बाबा जब उसका शोहर आया ना मेरे सामने से फौरन उठ गई, जाके दरवाज़ा खोली, मोहब्बत से दरवाज़ा खोली, अदब से सर झुका के सलाम की, प्रेम से हाथ पढ़ के चटाई में बैठाई, तमाम बातों को फातिमा बीबी ने सुना दिया। ऐसे ऐसे हुआ, पानी का गिलास दिया, पंखा झीले, सब बात करके सुनाए। तब आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हे बेटी इसी अदा के बुनियाद पे तमाम औरतों में पहले वही जन्नत जाए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और करो मेरी माँ बहने, आज तेरा शोहर है तो डेली झगड़ा झांटी सलाम कलाम जिंदगी में नहीं। बेचारा दो जुम्मा हो गया रमजान में, एक जुम्मा पार हो गया, दो जुम्मा पार हुआ ना रमजान में। जी इतने माँ बहने बैठी हैं, ईमान से बोलना कि जुम्मा के दिन भी तूने सलाम किया शोहर को? रमजान में जुम्मा पढ़ के आया, कम से कम सलाम करना चाहिए, नहीं करती है। लेकिन ये नौजवानों एक नुस्खा याद कर लो, अगर कोई बीवी सलाम नहीं करती है आपको तो तू गम मत करना, घबराना मत, छोटा दिल मत करना, तू अपनी बीवी को सलाम करना। कसम खुदा की जो अपनी बीवी को सलाम करेगा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो सुन्नत को अदा करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी नहीं करना यार, नहीं चुरे जाओ। अपनी बीवी सलाम करना, अपनी बीवी सलाम करोगे तो नबी की सुन्नत अदा होगी, अपनी बीवी को सलाम करोगे तो हजरत मौला अली की सुन्नत अदा होगी। अगर वो ना करे तुम क्यों घबराते हो? अरे अपनी बीवी सलाम करके देख, कसम खुदा की जान लुटा देगी। क्या हजरत जी कभी सलाम करते हो? अच्छा आज इत सनिचर आपकी जुम्मा करना, आपकी जुम्मा जुम्मा पढ़ के आना, धाए धाए घर घुसना, बीवी कहना सलाम वालेकुम, देखना कसम खुदा के घर में जन्नत का नमूना दिखाई दे। बेशक सही तकरीर हम कर दिए थे हजारी बाग में, एक लड़का सोचा ठीक कहा झारखंडी बाबा, जिंदगी में बीवी सब नहीं करती, अब हम ही लोग करेंगे। जुमा पढ़ के शोहर घर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, गुनगुना रही थी, शोहर जुमा पढ़ के आया, एकदम मुंह मुड़ हिलाते, माथा घुमाते, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, घर में जाएंगे बीवी को सलाम करेंगे, सोचते सोचते घर घुसा, बीवी कहीं कुछ कर रही थी, शोहर डायरेक्ट घर घुस गया और अपनी बीवी को कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाँ से खड़ी, बोलते थे धाधा कैसे लग रही है इसके, फिर बेचारा कहा सलाम वालेकुम, बोल जुम्मो दिन तो थतनुआ ठीक रहता और नैन रह। फिर बेचारा कहा सलाम वालेकुम, बोल तो है मक्का मदीने से रन की घुरी आज की नया तो तोनियो भी चेक करी देखिए। जब रिजुमा घर वाले खाली कहो सलाम वालेकुम, खाली मुँह देख दो की बात हो, सुधरी के लिए मार भी बस। चूँकि देहात में सलाम कलाम है ही नहीं, लेकिन याद रखना अपनी बीवी से मोहब्बत करो और अपनी बीवी को अच्छा कपड़ा पहनाओ, बेशक बेहतरीन से मोहब्बत करो, दूसरे पर नजर मत रखो। आजकल का नौजवान अरे बाप ये मोबाइल का दौर चला है, अरे बाप एकदम 12 बजे रात का नाम हेडफोन लगेगा। एक लड़का पूछे हाँ बेटा क्या बोल रहा है? बस तो जोन बोलना साहब सब बड़ा भीड़ बात है, तुम कहे सुन। वाह अरे मुसलमानों, जवान बेटी पे नजर रखना, मजार आए तो नजर रखना, उर्स में आए तो नजर रखना, ढाका आए तो नजर रखना, घर में रहे तो नजर रखना। ये नहीं कि मेला जा रहा उर्स जा रहा बेटी जवान पान उड़ के निकल गई, नजर रखना याद रखना। आजकल के दौर इतना जहालत हो गया है, मॉडर्न ख्याल का हो गया है, आज ये मोबाइल के दौर में हमारी कौम की कितनी बेटियां गैरों के साथ चली गई नहीं आप सोशल मीडिया पे देखते हो। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेटी को पढ़ाना कुरान, ताकि तेरी बेटी कुरान पढ़ी रखी रहेगी ना, कसम खुदा की जब वो ससुराल जाएगी गरीब शोहर होंगे, मजदूरी करके शोहर आएंगे, एक गिलास पानी हाथ में रख देंगे, किताबों में आया है एक जिहाद करने में
जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी रख के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने रमजान की कदर करना और ईद के मौके पे खरीदारी करो लेकिन अपने माँ बाप का पहले ख्याल करना। घर में गांव में अगर कोई पड़ोसी बेवा औरत है पहले उनके लिए एक साड़ी हो सके तो खरीद के भेज देना। कोई ऐसा गरीब आदमी है जिसकी लुंगी के औकात नहीं अपने बच्चों को बाद में कपड़ा देना उस गरीब के घर एक लुंगी भेज देना। कसम खुदा की तुम्हारे बच्चे मुस्कुराएंगे तो उनके दुआ साथ में होगी। याद रखना मेरी माँ बहने नबी की बेटी फातिमा कभी बाजार नहीं गई थी, ईद से एक दिन पहले दोनों बेटा सामने आ गए। इमाम हसन भी हुसैन भी खड़े हो गए। नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरे लाल आज बड़ी हसरत बड़ी निगाह से देख रही हूँ माँ को, क्या बात है? कहती है माँ सुबह ईद होगी ना माँ, आज चांद दिखाएगा, आज चांद की रात है, चांद नजर आएगा ना माँ, पूरे मदीने की गलियों में छोटे छोटे बच्चे खुशी मनाएंगे, सब लोग सुबह सुबह नए नए कपड़े पहन के घर से निकले के ईदगाह आ जाएंगे। ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन है, अब तक कोई नया कपड़ा नहीं हो चुका इंतजाम हुआ है, हमारे पास पुराने कपड़े हैं, माँ दुनिया क्या कहेगी हम पुराने कपड़े पहनेंगे, सुबह सुबह लोग क्या कहेंगे कि फातिमा का लाल है, अली का दुलारा है और नबी के कलेजे का टुकड़ा है, वो हसन हुसैन के पास पुराना कपड़ा है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है मेरे लाल सबर करो सबर, मैं इंतजाम में लगी हूँ। फातिमा ने ये नहीं कहा कि हम बाजार जाएंगे कपड़ा खरीद के लाएंगे, नहीं कहा बेटा हम मुसल्ला बिछाएंगे और रब से कलाम करेंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। पूरा मदीना सो गया, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई, तमाम मदीने के लोग रईस लोग सोए हैं, नबी की बेटी फातिमा जारा मुसल्ला को जमीन पे रख के पेशानी रख देती है और रो रो के फरियाद करती है चांद के रात में, हे मौला हे परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह वाह माशाल्लाह। इतना कहना था, कसम खुदा की फजर होते होते अल्लाह ने जन्नत से जोड़ा हसनैन करीमैन के लिए भेज दिया। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने तू सबर करना, अपने बच्चों को भी कहना सबर करे। आज एक वो कपड़ा मार्केट में आया है रे बाप मत पूछिए, वो कपड़ा देखिएगा रे लगता है कपड़ा नहीं मच्छरदानी है। कसम खुदा की कुछ नहीं है, वो खाली झलमलिया बना दिया है 3500 4000 6000 है ना। औरतें अनपढ़ देहात में कुछ जानती उनती है नहीं, एकदम लेबो तो हटे टंग लेट वो हटे लेबो जो टांगल हो सेट एकदम उसको खोल के लाया, बहियों दिखा हो पिठियो दिखा हो कितना मोट बहिया हो फोक्साल हो रोगाल हो फोड़ा फुलसी हो सब देख ले पोलियो मारल हो एकदम मत पूछ। जवान जवान बहू बेटी को सब कपड़ा पहनाते हो शर्म नहीं आती है? ऐसा कपड़ा पहन के मेरी माँ बहने सुनो जिस कपड़े से बाल नजर आ जाए, आपने कौन सा फूल लगाया माथे में कौन सा फीता बांधा माथे में, अगर वो उस ओढ़नी के ऊपर से दिखाई दे दे कयामत तक नमाज पढ़ोगे नमाज उस कपड़े में नहीं होगी। जिस कपड़े से गर्दन दिखाई दे बाल दिखाई दे ऐसा कपड़ा खबरी खबरदार नहीं खरीदना। स्टाइल मत दिखाना कि लोग स्टाइल देखेगा मेरा बदन मेरा चेहरा देखेगा, नहीं। 9 साल की बेटी को भाई के साथ सोना शरीयत ने मना किया, पता है? जब एक 9 साल की बेटी के लिए पर्दा है तो आज 18 साल की तेरी जवान बेटी मोहल्ले के नौजवान लड़कों के बीच में वही ऐसे कपड़ा पहन के घूमती है जिसे उसका पूरा जिस्म दिखाई दे और कल कोई तरह का घटना हो जाए तो कहते मौलाना घटना हो गया है तुम उस चीज को छुपा के रखो। और वो जब तुम छुपा के रख लोगे और श्रृंगार करना गुनाह थोड़ा है, कहाँ है श्रृंगार करना गुनाह? नहीं, तुम जितना चाहो आंखों में काजल लगा लो, जितना चाहो जेवर पहन लो, जितना चाहो फेस वॉश कर लो, जितना चाहो बाल को संवार लो, अच्छा कीमती कपड़ा पहन लो, लेकिन गैरों के नजरों में जाके मत दिखा, अपने शोर के सामने खड़ा हो जाना। कसम खुदा की 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। श्रृंगार करना बुरा थोड़ो है, ऐसा नहीं कि हम क्रीम लगाएंगे तो बुरा होगा, नहीं। कौन कहता है क्रीम लगाना बुरा है? लेकिन हाँ हलाल पाक क्रीम हो, ऐसा नहीं कि जैसा तैसा लगा ले, उसमें भी बहुत सारी क्वालिटी है।
ठोर में जैसे होंठ में लगाती है औरतें ना लड़कियां लिपस्टिक, वो तो सिरे से नाजायज है क्योंकि उसमें गलत जानवर की चर्बी लगाई जाती है, इसलिए जब भी धूप पड़ेगा उसमें ज्यादा लाइट आएगा। बहुत सी और लड़कियां हमारे मुसलमान की बेटियां टिकली साट लेती है, बिंदिया, मुसलमानों को बिंदिया लगाना मना है, जितना सोना चांदी पहन लो, घुंघरू वाला जेवर पहनना मना है। बहुत से बहु बेटियां देखिएगा जेवर पहनेगी उसमें पायल में घुंघरू, अरे बाप, जहाँ पांव रखेगी अरे बाप मत पूछे, छुन छुन की आवाज आती है। इससे क्या होता है, शैतान उसके पीछे घूमता है, और जिसके पीछे शैतान घूमता है तो दिल भागता है, और दिल भागेगा तो नजर हटेगी, और नजर हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। इसलिए घुंघरू वाला पायल कभी मत खरीदना, याद रखना, वरना मालूम है जैसे हम लोग बैठे हैं पांच आदमी एक जगह बैठ के गप कर रहे हैं, मौलाना है, हाफिज साहब है, इमाम साहब है, सब बैठे हैं, लेकिन अगर आप कोई बहू गुजर गई तो हम लोग नहीं देखते हैं, चलो बहू गुजर गई, कोई दूसरी औरत गुजर गई तो निगाह नहीं उठाते, चलो गुजर गई, लेकिन अगर कोई जेवर पहन के गुजरी तो भी नहीं देखते हैं, लेकिन अगर पायल पहन के गुजर रही है और उसमें छुन छुन की आवाज आ रही है तो मोना मान तो नहीं मान तो लातो देख ले की ये की। अगर कोई पायल पहन के छुन छुन अच्छा वो घुंघरू आवाज आ रहा है मोना मान तो ही सोई देखी हम जो मुड़ा उड़ जाए तो नहीं ना उड़ उठना है इटी देखिए लेबे के ही गिरे तो बताओ जहाँ देखा वहाँ नजर लड़ी तो इसलिए खबरदार मेरी माँ बने जेवर में घुंघरू मत लगाना और ऐसे पायल वाल मत पहनना जिससे चलने से गुनाह हो, ऐसा जेवर पहनना जिसमें सवाब हो। शोहर के लिए बनाओ सिंगार में दो रकत नफल नमाज का सवाब है, जैसे शोहर गया दुमका अभी मगरिब में शोहर आएगा तब तक ये कटी मुँह धो लेबे थोड़ा सा कंघी बुला लेंगे काकड़ी पड़ो तोड़े टी मेर लेंगे इटी काजल लगा लेंगे ताकि शोहर देखेगा। तो इसमें क्या होगा दो रकत नफल का सवाब। हम लोग देहात में कहाँ मूड़ झाड़ लो कहाँ की लगा लो किचली लखन बैठना देखा ला तो भूत गरम गोरे लगा गुमसन का नहा हो लाही लागो मुर्गी ढुका अजा बाल है बनना सवरना दूर की बात है। अगर शोहर कुछ कह दिया बोले साफ सुफ बोल तो रोकी लोग तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। शोहर के लिए बनाओ सिंगार रहो खुशबू पाउडर तो खुशबू लगाना औरतों को मना है, कोई भी औरत परफ्यूम नहीं लगा सकती है ना खुशबू लगा सकती है, खुशबू औरतों के लिए जायज़ नहीं है। हाँ अपने लिए बनाओ सिंगार करना कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे जो औरत गैरों के नाम पे सिंगार कर लेती है, जैसे सिंगार करना चेहरे पे कुछ लगा लेना काजल पाउडर लगा लेना गली में बैठना दूसरों से नजरें लड़ाना मुस्कुरा मुस्कुरा के हंस हंस के बातें करना शोहर घर पर ना रहे और गैर मोहल्ले की औरतें मर्द आकर के बैठ के चाय पी के चला जाए, एक दो होता नहीं शोहर चला गया काम करने हाँ एगो देवर आया भौजी चाह पियावन ने बोल बैठो शोहर है बेचारा बरमसिया चौक में यहाँ नुनुआ चाह ट्रेन दिल अजा हाल है पियो नुनुआ दादा कहाँ गला बोल ने एक दो औरतें सब नहीं होती है माशाल्लाह आप लोग उनमें से कुछ नहीं है, यहाँ जितनी औरतें माँ बने बैठी हैं सब दूध के धवल आप लोग ठीक ठाक है, लेकिन याद रखना गैर मर्दों को अपने घर में बुला के चाय पिलाना शोहर के गैर मौजूदगी में ये गुनाह है, कभी भी ऐसा ना करना, बल्कि शोहर के लिए सिंगार करना दो रकात नफल का सबब और गैरों के लिए करना, कल कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे के सिंगार को चेहरे के क्या कहते बनाव को गैर मर्दों को दिखाने वाली औरत को कयामत के दिन गोश्त ना होगा हड्डी दिखाई देगी। बचो उस मैदान महशर के अजाब से, इसलिए मेरी माँ बहने तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा, ए मेरे भाइयों तुम हुसैन नहीं बन सकता, गुलाम हुसैन बन जा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाह बहुत खूब माशाल्लाह। रमजान का पवित्र महीना है, कितना सुहाना महीना है रमजान में, कसम खुदा की मगरिब में अरे बाप लगता है एकदम त्योहार आ गया है, सूरज डूबने लगता है एकदम घर में खुशी होने लगती है, इतनी खुशी ईद में नहीं होती उतनी खुशी, ईद में कहाँ खुशी, एक घंटा ईदगाह से आए लच्छा से खाया खत्म, लेकिन मगरिब में 30 दिन ईद है, हर दिन 5 गो 6 गो घर में रोजेदार है,
लगता ईद है, ईद डेली ईद, इसी ईद को बरकरार रखना। अरे एक दिन की ईद की क्या खुशी है, मगरिब में कसम खुदा के घर में देखते हैं ना, खुद हूँ अपने घर में, जिसके घर में दो चार को बेटी रहती है ना, वो घर तो और सुंदर लगता है। आजकल लोग बेटा के लिए परेशान रहता है, जहाँ बेटा पैदा होगा अरे बाप खुशी में चूर है, और जहाँ बेटी पैदा हो जाएगी चुपचाप बैठा ले कि बोलो रे हमार किस्मत में फुटल हो, क्या हुआ बेटी लग तो वह मर जाते, और जहाँ बेटा हो गया क्या हुआ रे वटे मोना सोच दिली मालिक के वटे दिल को, क्या हुआ बेटा दूध को रसगुल्ला बांटो, पूछे की खातर बांटे, एगो करुआ एगो चरका मिले मिले, बोल भेलो हमार नुनवांग भेल यार बेटी भेलो को जान बोन करो की भेलो की हतो यार भेलो हुरगनो, कितनी खराब लगता है उस लड़की को, कितना खराब लगता होगा जिसके कोख से बच्चा हुआ है, कभी सोचा आप? बेटी रहमत होती याद रखना, कसम खुदा के ईद में देखना, ईद में जिसके घर में तीन चार को बेटी है ना, सब बेटी नहा धो के जब कपड़ा पहन लेगी और आंगन में घूमेगी ना, माँ बाप के आंख से एक खुशी के आंसू निकलता है उस दिन, ईद के दिन एक खुशी के आंसू, वो गम के आंसू नहीं होते हैं। जब चार तीन चार पाँच छः बेटी अल्लाह किसी को दे देता है और सब बेटी का कपड़ा इंतजाम हो जाता है और सब पहन ओढ़ के जब आंगन में घूमते हैं ना, तो माँ बाप के आंखों से एक खुशी के आंसू आता है, रब की बारगाह में फरियाद करता है मौला ए परवरदिगार आज मेरे घर में इतनी बेटियां हैं ना, ऐसा लगता है ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर आई। सुभान अल्लाह और जिसके घर में एको को बेटी नहीं, ईद में खाली बेटा है, ईदो दिन फटाफटी शुरू, नहल गेलो चप्पल में उठक पटक दिलो, एगो सैंपल वाले बरियाद में भाग गेलो, एकटा मुड़म लोट वाले मारब करो, तालो कर मैया गेलो जग दियो एकटा मारी सुते देलो, बेटा है तो नेमत है तो बना के रही रखा है, बेटी है तो कितनी है, तो बेटी रमजान में घर में बेटी इतनी सब इफ्तारी वही बांटती है, शरबत वही बनाएगी, मैंने घुगनी पकौड़ी सब बेटी बनाती, बेटा इधर से गया कहाँ रख ले भाई की दूगो ले कने पाँच को ले दौड़ी दे कहाँ जाए रे फोल घोर यार, बेटा बेटा होता है लेकिन बेटी से मोहब्बत करो। मेरी चार बेटी है सुभान अल्लाह, मेरी अपनी चार बेटी है माशाल्लाह, मैं चारों की शादी ब्याह दे चुका हूँ, एक बेटा है, ये एगो बीवी के गो ये के गो, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मैं बहुत खुशहाल हूँ, कसम खुदा की बेटी है तो खुशहाल है। और याद रखना अपनी बेटियों को त्योहार में गम में मत रखना, जहाँ से हो सके एक ही कपड़े का इंतजाम बेटी को कर देना, बेटी तेरे घर में जब मुस्कुराएगी ना, ये मत सोचना कि मेरे घर में दो चार बेटियाँ, अगर बेटा होता तुम कीमती कपड़ा खरीदते नहीं, तुम उसी बेटी को प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जब कोई बेटी घर में होती है और जब बाहर से बाप आता है और बेटा बेटी दोनों दौड़ के चला जाए सामने में, तो बेटी के हाथ में सामान देना, तोहफा बेटी के हाथ में देना और गोद में उठा लेना, कसम खुदा क्या का फरमाते वो नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह जब बाहर से घर आओ तो बेटी बेटा दोनों दौड़ के आओ, बेटा पांच बेटी पर एगो बेटा हुआ बड़ी प्यारा है, लेकिन बेटे को मत गोद में उठाना, वहाँ बेटी को उठा लेना, रसूल की सुन्नत अदा हो जाए। सुभान अल्लाह। अरे मेरी बाबा ना याद रखना, जब तेरा बाप तुम्हारे ससुराल जाए ना और तीन दिन से तुम हमारे परेशान हो भूखी हो, लेकिन बाप के सामने कभी नहीं रोना, जो बेटी बाप के सामने आंसू ना बहाए अपने ससुराल की बात ना कहे वो प्यारे नबी की बेटी फातिमा जहरा की सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान नबी की बेटी दो दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था, आका तशरीफ ले गए, नबी की बेटी फातिमा के घर में दो दिन से चूल्हा नहीं जला, फागा कशी है, मेरे आका घर तशरीफ ले गए और नमाज के टाइम में बीबी फातिमा नमाज पढ़ने लगी, नमाज पढ़ते पढ़ते फातिमा सारा मुसल्ले में बेहोश हो गई, मेरे आका फरमाते बेटी फातिमा तबीयत खराब है बीमार हो,
कोई तरह की परेशानी है। बेबी फातिमा फरमाती, बाबा ना मैं बीमार हूँ, ना मेरी तबीयत खराब है, ना बदन पे बुखार है। कहा बेटी फिर तुम बेहोश कैसे हो गई? कहा बाबा मैं कहना नहीं चाहती हूँ, आपने पूछ लिया तो सुन लीजिए, मैं बीमार भी नहीं हूँ, तबीयत खराब भी नहीं है। ए बाबा मेरे घर में दो दिन से चूल्हा नहीं जला है, भूख इतनी है मेरे अंदर में कि मैं नमाज पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गई। गौर करो मेरी माँ बने वो फातिमा जिनके बाबा आका फरमा देते पहाड़ को सोना तो सोना हो जाता, लेकिन वो नबी की बेटी है। बाबा घर पे आका गए हैं लेकिन बाप के सामने कभी ससुराल की शिकायत नहीं किया है। आज भी कोई बेटी अगर अपने भाई बाप के सामने में ससुराल की शिकायत ना करे, वो बीबी बेटी कल मैदान महशर में बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आज की बेटी, अरे बाप, थोड़ी सी अगर कोई बात ससुराल में कह दे, सीधे फोन उठाया अपनी माँ को, बल की माँ बोला मससी अमर कर जिया खा गेलो, हम यहाँ करता थो ने देखबो। शोहर को फोन करके कह रहा है, याद रखना माँ बहने, जाहिल लड़कियाँ मत रखना, अनपढ़ मत रखना, घर में मत खाना, लेकिन बेटियों को बेहसी जबर कुरान पढ़ा के भेजना, ताकि ससुराल जाएगी ना, शोहर आएंगे मोहब्बत से सलाम करेगी दरवाज़ा खोल के ना, तो गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। और नौजवानों एक बात और सुन लो, तुम रात भर नमाजें पढ़ो, तरावी पे तरावी पढ़ो, कुरान की तलावत करो, दाता फतेह अली शाह के मज़ार पे पड़े रहो, अजमेर की गली में घूमते रहो, मदीने की चौखट में पड़े रहो, अगर तेरे घर में तेरे माँ बाप तुमसे दुखी है, तुमसे नाराज है, तुमसे नाखुश है, तुमसे तकलीफ है, पूरी दुनिया का मजार में चादर चढ़ा दो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, पूरे मस्जिदों में सजदा करके सजदागाह बना दो। कसम खुदा की ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप राजी है तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ईद में माँ बाप के लिए भी कपड़े का इंतजाम करना। कितना टाइम, एक घंटा हो गया, मैं एक घंटा बोल दूंगा, एक घंटा बोल दें। अरे भैया मैं आज तकरीर ज़्यादा कर रहा हूँ, आज मैं ज़्यादा इधर हेरा फेरी नहीं कर रहा हूँ, आज मेरी तकरीर हो रही है जी जी, क्योंकि मजमा काफ़ी है, तो कुछ कीमती बात बोल देना चाहिए। ऐसे तो मोबाइल में रोज मुझको देखते रहता है, लोग मोबाइल में देखते हैं, अल्लाह का करम है। और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई बहुत बड़े आलिम नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है कि पूरा हिंदुस्तान घूम रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ मरते समय मुझको दुआ दे के मरी थी, आज उसी का असर है। मेरी माँ तो चली गई, लेकिन आज वो मेरी माँ का दुआ मुझको काम आ रहा है। नौजवानों, मौला से बाद में दुआ कराना, पहले माँ बाप से दुआ कराना, माँ बाप से मोहब्बत करना, और अपने बीवी से भी मोहब्बत करना। और याद रखना, वली के दरबार में जाना तो औरतें आने की कोशिश कम करना। एक हक बात बता देता हूँ, झारखंडी को दोबारा मत बुलाना, इससे कोई तकलीफ मत नहीं है, लेकिन औरतों को मजार के अंदर जाना हराम है। बेशक, औरतों को मजार के अंदर घुसना हराम है। आप अगर आते हैं तो बाहर से ज़ियारत कर लें। अगर औरतों को मजार जाना जायज़ होता तो फिर हम उसको जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? औरतों को भी जनाजे में लेके चले जाते, मिट्टी देते, ज़्यादा सवाब मिलता मुर्दे को। लेकिन नहीं, आप मजार मत जाइए। आप अगर आते हैं तो गेट के बाहर रहिए, अंदर मत घुस जाइए। बहुत औरतें अंदर घुस जाती है, नहीं, औरतों को अंदर जाना सख्त मना है। अपने आप और है तो ऐसे तो मैं जायज़ का फतवा नहीं दे सकता, कहा नहीं, औरतों को मजार के लिए निकलना ही शरीयत ने मना किया है। शोहर आए तू क्यों आती? शोहर सलाम करे तू घर में रहो, घर में अच्छी लगती है, घर में बेहतर है। शोहर आए मोहब्बत से सलाम करो, शोर आए उसकी खिदमत करो। हम भी जाएंगे आज मजार, तो मजार भाई अभी के दौर हमको लगता है कुछ दिन के बाद सब औरतें हर मजार में जहाँ जाए पत्थर चपटी जाइए, जहाँ जाए औरतें मालिक हो जाएगी, कुछ दिन के बाद गद्दा नशीब में औरतें हो जाएगी। मतलब औरतें इतनी कब्जा कर लिया है, ये को बंगाल में क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, घर घर मुख्यमंत्री। हाँ, औरतें इतनी माल, अभी जो कपड़ा लेने जाता है, अभी देखे हम कल परसों कर्मटान में कपड़ा लेने गया और पेशवा बिल बनाया तो औरतियाँ निकाल रही, बोल कते भैलो, शोहर बगल में, और पेशवा देखियो कहाँ रख लें,
हम बोले या अल्लाह इतना बड़ा तुम गिर गया है, अब बाजार आए हो कम से कम पेशवा अपने पोटो में डाल लो, बीवी से मांग रहा दोकने बोल कहते हो देखियो आजकल मर्द बचा कहाँ है, आजकल मर्द नहीं बचा है, हिम्मत हो एगो खरा मुर्गी बेची भी हम दिखा दे मरो देखी एगो खाली मुर्गिया बेची दिखा दे मरो देखी तकर बाद देखो तो कहते बोल मरो एगो पटरू बेची दिखा दे हिम्मत हो तकर बाद देखियो ईद से पहले घर में कुर्बानी भी अजब हाल हो गया है। तू मर्द हो जो हक तेरा है वो पावर इस्तेमाल कर, वली के दरबार में जा, जाना मना नहीं है। अरे जब कोई नबी के बार वली के दरबार में जाता है और जो दिल से मांगता है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। क्या बात है, वाह माशाल्लाह। एक अल्लाह के वली एक दरख्त के नीचे जंगल में बैठे थे, कहाँ जंगल में बैठे थे, अल्लाह 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 अल्लाह। वो जंगल में एक आदमी रोज जाता था जंगल लकड़ी काटने, देखता जंगल में लकड़ी, वो बाबा बैठा हुआ है। एक दिन जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम सलाम, का बाबा आप कुछ खाते पीते हैं कि नहीं खाते हैं, कहाँ बेटा कोई खिलाता है तो हम खा लेते हैं, कहा हम कल खाना देंगे खाइएगा, कहाँ खाएंगे। वो लकड़हारा लकड़ी काट के बाजार जाके सामान खरीद के बेच के घर आया, बीवी को कहा सुनो अरे ये भी जो लकड़ी काटता था ये भी पहुँचा हुआ बंदा था, ये भी वली थे और जंगल में बैठा था वो भी वली था, लेकिन इसे क्या पता। घर आया बीवी को कहा सुनो रोटी बनाया तरकारी बनाया सब्जी सालन बनाया, कहा सुनो जंगल में बाबा बैठता है ना नहर में उस पार जो है नहर बीच पानी बहता था, नहर जोरिया जिसको जोर कहते हैं नदी, वही नहर जो नाल कैनाल काट के नहीं बना था नहर, उसी नहर में पानी बह रहा था और नहर के उस पार में जंगल था, वहीं बाबा बैठा था। तो वो लकड़हारा जो लकड़ी काट के आया घर, सामान खरीद के लाया, रोटी सालन बनाया, कहा सुनो हम बाबा से वादा किए कि आपको खाना पहुँचा देंगे, ए बीवी तुम ऐसा करो बाबा को खाना पहुँचा देंगे, कहा पहुँचा देंगे। तो खाना वाना बना के बीवी उठी है चलने लगी खाना लेकर के, ठीक दो चार कदम चली और ख्याल आ गया कि बीच में नहर है, बीच में नहर है तो नहर कैसे पार करेंगे। तो फिर बीवी लौट के ऊपर के पास आ गई, कहा सुनिए, कहा क्या, कहा नाव भी नहीं चलता है, पुल भी नहीं है, तो बाबा उस पार में है, तुम उस पार कैसे जाएंगे। तो शोहर ने कहा सुनो ने तुम जाके नहर के किनारे खड़ा हो जाना और खड़ी होकर के तुम इतना कहना कि नहर इस नहर ऐ समंदर ए नहर, अगर मेरा शोहर मेरे साथ दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और अगर नहीं करता है दुनियादारी मेरे साथ तो रास्ता दे देना। बीवी सोची या अल्लाह ये क्या बोल रहा है, ये दुनियादारी करता है, बाल बच्चा पैदा हुआ खेती बाड़ी सब करता है, ये कहता हम अगर दुनियादारी करते हैं तो समंदर रास्ता नहीं देगा और नहीं करते हैं तो दे देगा। ये बीवी तुम यही जाके कहना। हाँ बीवी रोटी सब्जी लेके गई सालन बाबा को खिलाना था उस पार में जाके खड़ा हुआ, कहा ए नहर अगर मेरा शोहर मेरे साथ दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना और अगर नहीं करता है तो रास्ता दे देना। इतना कहना था ऊपर का पानी ऊपर नीचे का पानी नीचे बीच में रास्ता पैदा हो गया। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। औरत गई पार हो गई, जाके बाबा के पास गई, रोटी खिलाई सालन खिलाई सब्जी सब खा लिए और खाने बाद बर्तन उठा के चल दी। ठीक दो चार कदम चली ख्याल आया अल्लाह जाएंगे कैसे। फिर बाबा पास आ गई, कहा बाबा बीच में नहर बहता है बहुत पानी है उसमें पार कैसे होंगे। कहा तुम आई थी कैसे, बाबा ने कहा तुम आई थी कैसे, बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूँ। कहा कि मेरा शोहर ने कहा कि हम दुनियादारी तेरे साथ करते हैं तो रास्ता नहीं देगा और नहीं करते हैं तो दे देगा। मेरा शोहर यही कहा और हम वही आके कह दिए तो रास्ता दे दिया। तो बाबा ने कहा जाओ फिर तुम जाकर नहर से कहना अगर बाबा ने रोटी खाया है तो रास्ता नहीं देगा और नहीं खाया है तो रास्ता दे देगा। सुभान अल्लाह सुभान। अब औरतिया सोची या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मेरे सामने सब रोटी सब्जी सालन सब खा गए और फिर बाबा कहता अगर हमने रोटी खाया है तो रास्ता नहीं देगा और हम नहीं खाया है तो दे देगा। इतना सुनना था बीवी सर चकराने लगी औरतिया, लेकिन आई आके समंदर के किनारे खड़ी हो गई, कहा ए नहर अगर अल्लाह के वली ने अगर रोटी खाई है तो रास्ता मत देना और नहीं खाई है तो रास्ता दे देना। इतना सुनना था नहर में रास्ता पैदा हो गया। औरत पलट के फिर वापस आई, घर में बर्तन रखी, शोर के कदम में पड़ गई, गिर गई, कहा मेरे सरताज हमको जवाब देना होगा। कहा कौन सा जवाब, कहा आपने यहाँ कहा कि आप समंदर से, आपने उल्टा कहा, समंदर ने सीधा रास्ता दिया, बाबा ने भी उल्टा कहा, सर रोटी सब खाए, कहा हम नहीं खाए।
ये हम समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है। औरत पगला गई, एकदम माथा खराब, कहना होगा। आप कहते हम दुनियादारी करते हैं तो रास्ता नहीं देगा, और आप दुनियादारी करते हैं, बाल बच्चा पैदा हुआ सब कुछ है, फिर भी रास्ता दे दिया, बाबा ने रोटी खाया फिर भी रास्ता दे दिया, ये उल्टी ही चाल हम समझ नहीं आए, कहा जवाब देना होगा। शोहर ने कहा कि सुनो ये सब चक्कर मत फंसो, जो हो रहा होने दो। कहा नहीं जवाब देना होगा। कहा नहीं मानेगी। कहा नहीं मानेगी। कहा जवाब कल देंगे। शोर ने कहा जवाब कल देंगे। कल चला गया जंगल, लकड़ी ज्यादा काटा, बाजार में बेचा, बेच करके सब्जी खरीदा, गोश्त खरीदा, अंडा खरीदा, मुर्गा खरीदा, बिरयानी चावल, खिचड़ी चावल, भात के चावल, आटा रोटी सब खरीद खरीद के घर लाया। शोर को कहा, बीवी को कहा कि आओ बनाओ। बीवी ने कहा कि हमको जवाब चाहिए, जवाब देना होगा। कहा खाना पकाओ, तेरा जवाब इसी खाना पकाने में। बीवी सोचने लगी, या अल्लाह बड़ी कीमती वली की बात बता दे रहा हूँ, वली कहते किसे। कहा कि या अल्लाह जवाब मांग रहे थे, कहा खाना पकाओ। कब पकाओ? तमाम खाना तैयार कर दिया बीवी ने। कहा कि क्या क्या बनाना? कहा सलाद ही बनाओ, रोटी बनाओ, चावल बनाओ, सादा चावल बनाओ, पुलाव बनाओ, मुर्गा बनाओ, सब बनाओ, सब 10-12 तरह के खाना पका दिया। अब बीवी ने कहा कि जवाब दीजिए, आपने जो कहा था कि बाबा ने रोटी खाया था, समंदर ने रास्ता दे दिया, आप दुनियादारी करते हैं, समंदर ने रास्ता दे दिया, और आपने कहा जवाब देंगे, जवाब दीजिए। कहा कि पहले दस्तरखान बिछाओ और सब खाना सजाओ, उसी में तेरा जवाब है। बीवी और माथा चकरा गई, या अल्लाह हम जवाब मांग रहे हैं, कहा कि खाना सजाओ। खाना सजा दिया। कहा सजा दिए खाना? कहा सुनो सजा दिया? कहा हाथ धो के आओ। कहा क्यों? कहा इसी में तेरा जवाब है। अब बीवी हैरत, या अल्लाह ये हो क्या रहा है, हम जवाब मांगने। अब जब तक बीवी हाथ धोने के लिए गई, कहा हाथ धो के तुम दस्तरखाने बैठो, शोहर अंदर घुसा और बड़ी सबसे बड़ी चमकीली तलवार, इतनी बड़ी 5 हाथ के तलवार लाके दस्तरखान में खानवा बगल में रख दिया। बीवी बोली ये क्या है? कहा कि यही तेरा जवाब है। अब इतना सुना बीवी माथा चकरा गई, या अल्लाह ये जवाब मांगने आए हैं, जान देने आए। उसके बाद कहा कि सब खाना खाओ। कहाँ? कहा खाना होगा। कहा सुनो खाना होगा, खाना सब मजा बताना होगा। और शोहर गया और एक कटोरे में पानी भर के लाया। क्या क्या है वो कटोरा में पानी भर के लाया और कहा कि हाथ ऐसे करो। बीवी के हाथ ऐसे करवा दिया और उसमें एक भरा हुआ कटोरा पानी भर के रख दिया, पूरा पूर कटोरे में पानी पूर है, और हथेली में दे दिया। और शोहर ने तलवार उठा लिया और कहा सब खाना खाओ और सबका मजा बताना होगा, पुलाव कैसा लगा, बिरयानी कैसा लगा, है ना, पाव भात कैसा लगा, मुर्गा कैसा लगा, सब सब्जी कैसा मजा लगा, खाना होगा। और सुनो खाते खाते अगर ये कतरा पानी कटोरा जमीन में गिर गया तो ये तलवार तेरी गर्दन उड़ा देंगे। बीवी सोची, या अल्लाह ये जवाब ना मांगते यही भला था, ये जवाब मांग के फंस गए। बड़ी कीमती बात बता दे रहे, बड़ी दिमाग वाली बात, सोचिएगा वली कहते। अब बस शोहर ने तलवार उठा लिया और बीवी खाना खाने लगी। चावल आहिस्ते आहिस्ते कांपते कांपते चावल मुँह में डाली, फिर मछली डाली, पुलाव खाया, सब 12-13 आइटम खाने के बाद अब बीवी हाथ कांपने लगी, कांपने लगी। कहा शोहर मेरे सरताज, अब कटोरा छलकने वाला है, जल्दी उठाओ वरना पानी गिरेगा। शोहर ने फौरन कटोरा उठा के जमीन पर रख दिया। कहा ए बीवी अब बता पुलाव में क्या मजा आया था, खाना खाने में कितना अच्छा लगा, मछली कैसा लग रहा था, बिरयानी कैसा टेस्टदार था। बी बोली मुझे कुछ पता नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरा पूरा ध्यान कटोरे पे था। और कीजिएगा, मेरा पूरा ध्यान ये कटोरे पे था, अगर कटोरे का पानी जमीन पे गिरा तो शोहर का तलवार मेरे गर्दन पे होगी, इसलिए मैं कटोरे पे नजर रख के चावल खा रहा था, पता नहीं चला, भात खाया पता नहीं चला, रोटी खाए मजा मालूम नहीं हुआ। शोहर ने कभी भी सुन, इसी तरह हम दुनियादारी करते हैं, ईमान का कटोरा हाथ पे रखते हैं, कुफ रशीद की तलवार सामने होती है, मैं खाना खाता हूँ कटोरे पे नजर रखता हूँ, बाल बच्चा पैदा होता है ईमान के कटोरे पे नजर है, दुनियादारी करता हूँ ईमान के कटोरे पे नजर है, कहीं ईमान का कटोरा छलक ना जाए और तलवार कुफर की गर्दन पे आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। इसलिए निगाह है वली में वो करोड़ों की तकदीर देखी। वाह, वली के दरबार में यहाँ आओगे खाली घूम फिर के चले जाओगे? नहीं, कभी जाना और दिल से फातिहा पढ़ना,
और दिल से मांगना कसम खुदा की दाता फतेह अली शाह वो आले रसूल है, आले रसूल है और ये रसूल के खानदान में से हैं। याद रखिएगा इनके दरबार में कभी दिल से आह निकालना, दिल से जो आह निकलती है गरीब नवाज के बारगाह में, शायद आप सुने होंगे गरीब नवाज के बारगाह में, वो गरीब किया एक गरीब आदमी किया और जाने के बाद कहा कि हम कुछ मांगेंगे। कौन गरीब था? तांगा गाड़ी चलाता था, सुने होंगे वो आखिया यूट्यूब में भी है। तांगा गाड़ी चलाता था, तांगा गाड़ी चलाते चलाते घर आता, बीवी कहता सुनो सब लोग अजमेर जाते हम भी अजमेर जाएंगे। बीवी बोले ए ए अजमेर जाने इरादा दिल से निकाल दो, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तंगा गाड़ी नहीं चलाएगा पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा बाल बच्चे क्या खाएंगे, खबरदार ये सब दिमाग से हटा दो अजमेर नहीं जाना है। शोहर बेचारा सीधा सपटा था, चला गया फिर गाड़ी लेके स्टेशन, फिर तंगा गाड़ी चलाता था, मुसाफिर आता था ट्रेन से उतर के, भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, बोले अजमेर से आ रहे हैं। जाने वाला पूछता कहाँ जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं। ये आदमी सोचता या अल्लाह सब अजमेर आ रहा जा रहा हम कब जाएंगे। फिर बीवी को कहा कि बीवी सुनो ना सब अजमेर आ रहा जा रहा हम भी अजमेर जाना चाहते भी बैठ। फिर वही अजमेर अजमेर खबरदार अजमेर का दिमाग जान से निकाल दीजिए अजमेर नहीं जाना है। शोहर सोचा या अल्लाह बीवी से पूछते, बीवी डांट देती है, अब बीवी से पूछना गछना नहीं है। हिम्मत जुटाया और एकदम पूरा तंगा गाड़ी समेत घोड़ा गाड़ी समेत पूरा जाके बाजार में बेच दिया। सुभान अल्लाह सुभान बेच दिया। कहीं गाड़ी रहेगी नहीं, बाधा बीच में आएगा कि गाड़ी कौन चलाएगा, गाड़ी बेच दिया। शोहर घर आया कहा आ बी बोली तंगा गाड़ी कहाँ है, कहा बेच दिए। कहा क्यों? कहा अजमेर जाएंगे। शोहर अब की एकदम चीद में आ गया। बीवी शोहर ने जब हिम्मत किया तो बीवी पस्त हो गई, होता है कि नहीं? जब शोहर गरम तो बीवी नरम। बीवी बराबर कहती तंगा गाड़ी चलाएगा, तंगा गाड़ी गड़िए बेच, तो जब गाड़ी बेच दिया तो कौन चलाएगा? ऐसा होता ना घर में, आप कभी घर में नरम हो जाइए देखिएगा बीवी गरम, आप गरम हो जाए बीबी ना। एगो नहीं था एक गांव में, एगो शोहर आता घर से बाहर से कमा के आता घर, ए ए जल्दी नाश्ता बना के लाओ वरना वरना सुन के बीबी फौरन डर से बना देती थी। जल्दी चाय पका के लाओ वरना फिर से चाय बना के ला देती, जल्दी कपड़ा साफ करो वरना 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 सुन के बीबी सूख गई। यार ला वरना क्या करेगा रे बाप, वरना मर दे गरीबा। एक दिन चपाकल गई पानी लेने, दूसरी औरत से मुलाकात है, बोल हाँ दीदी बड़ी सूख गए, क्या बात है? बोल क्या करें रे, इसका पापा कहीं से आता बड़ी बांटा टपर करता है, अभी देखो न करा जल्दी पानी गर्म करो ठंडा है, नहा के वर्मसिया चौक जाएंगे वरना। दूसरी बीवी सिखा दी, सुनो तुम बड़ी डरती है, तुम मत डरो दीदी, आज तुम हिम्मत जुटाना और जब शोहर कहेगा वरना तुम भी जवाब देना। हाँ शोहर बीवी पानी लेके चपाकल से आ रहे थे, शोहर बोला ए जल्दी पानी गर्म करो नहा के बरमसिया जाएंगे वरना वरना। सुनी बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लोगे, कहा वरना ठंडे पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडे पानी में नहा लेंगे, मतलब गर्म हो गया थी नरम हो गए। इसी तरह शोहर गरम तो नरम, चला अजमेर तांगा गाड़ी बेचा, निकल गया जज्बात में, सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला अल्लाह अल्लाह कहते सीधे अजमेर। एक दिन दो दिन पांच दिन दस दिन चालीस दिन रहा, क्या दिन? चालीस दिन। दिल में ख्याल आया या अल्लाह छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़ के आए हैं, तंगा गाड़ी बेच के आए हैं, बीवी मना कर रही थी गाड़ी बेच दिए हैं, यहाँ से जाएंगे या खाजा बाबा कैसे कमाएंगे, जो जरिया गाड़ी थी वो भी बेच के आ गए हैं, अब कोई कमाने का रास्ता नहीं, या खाजा बाबा करम कर दे, या बाबा करम कर दे, करम कर दे खाजा बाबा। ये गरीब रो रो के दुआ किया, जब जो दूहीन दुआ किया कसम खुदा की खाजा गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। कहे सुभान, कहे दीवाना मत घबराना मत रोना, घर चला जाना, पांचों वक्त जाके घर में नमाज पढ़ना और पढ़ने के बाद फजर के बाद तकिया पलट देना और तकिया के नीचे हाथ डालना, हाथ निकालना, दिन भर का खर्चा तेरे घर में जितना होता है वो रकम तकिया के नीचे से मिल जाएगा। कहे सुभान सुभान अल्लाह। वो आदमी अजमेर से वापस आ गया, पांचों वक्त नमाज पढ़ने लगा, फजर के नमाज के बाद बीवी आई कहे तंगा गाड़ी बेच के अजमेर से आके बड़ी तस्वीर पढ़ रहे, लाइए खर्चा लाइए तो लाइए खर्चा। बीवी डांट के कही शोहर हाँ तो क्या नीचे डाला, खर्चा निकाल के बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची फुटानी कर लो घोड़वा गड़िया पैसा थोड़ा बचा है ना, तकर बात काल देखो। दूसरे दिन फिर भी शोहर
नमाज पढ़ के तस्वीर पढ़ रहा है, सुभानला सुभानला, तस्वीर बन, पहले पसुआ निकाल, राशन पानी लाएंगे, शोर, फिर तकिया नीचे से हाथ डाला, फिर लाके बीवी दे दिया, एक दिन दो दिन तीन दिन दिया, अब बीवी मथा खटकने लगा, या अल्लाह ये पसुआ आता कहाँ से। अरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, ये दीवाना, ये करामत मेरी है, किसी से कहना नहीं, ये राज की बात राज में रखना, किसी से मत कहना। वो आदमी आके तकिया नीचे से हाथ डाला, दे दिया, बी बोले तकिया पलटाना बंद, ये दिन भर खाली झूठे मस्जिद आते हैं, घर जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, ढोंग करते हैं, दिन में कहीं दिन भर खाली नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद आते हैं, घर जाते हैं, रात में कहीं चोरी करते हैं, वरना ये पैसे आता कहाँ से, आता कहाँ से। तकिया पलटना बंद, आज घर में चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद, पहले कहना होगा ये पैसे आता कहाँ से। शोहर ने कहा, बीवी सब चक्कर में मत पड़ो रे, जो हो रहा होने दो, खा रहा खाने दो, बाल बच्चा गुजर बसर हो रहा, काहे ये सब चक्कर में पड़ता, कहा नहीं कहना होगा वरना खाना पकना बंद। शोहर ने कहा, बीवी अगर हम ना कहें तो खाना पकना बंद, और अगर कह दे तो उधर से आना बंद। का मतलब, का गरीब नवाज की करामत है, तुम नहीं मानी, अब जाओ, कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी फिर आई, सुबह सुबह खर्चा लाइए, शोहर ने कहा बंद करा के खर्चा मांगने आई। बीवी बोली, अब तो गलती कर दिए हो, दोबारा चालू करवाइए, अब नहीं कहेंगे। शोहर ने कहा, वृद्धा पेंशन है का, ये ब्लॉक समिति वाला मसला है, ये लोन पैसा है का, ये बैंक वाला समझा है। बोला, अब गलती हो गई, अब नहीं कहेंगे। दोबारा इंसान उठा, फिर चला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह कहता, ठीक अजमेर की धरती पहुंचा, एक दिन दो दिन तीन दिन 40 दिन मुसलसल रहा, दुआ किया, ख्वाजा गरीब नवाज छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, फाका खुशी के आलम में है, घर में चूल्हा जलना बंद हो गया, जो रकम जाती थी बंद हो गई, बीबी ना मानी, मैंने कह दिया या ख्वाजा करम कर दे, अब दोबारा किसी से नहीं कहेंगे, रो रो के दुआ किया, ख्वाजा गरीब नवाज का जलवा दोबारा सामने आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत फैजाने औलियाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काए दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, जैसे नमाज पढ़ता था वैसे पढ़ना, लेकिन अब की तकिया मत पलटना, पहले चौक में आके खड़ा हो जाना, और 5, 6, 7, 10, 20, 25 जितना आदमी मिले सबसे पहले कहना, तब जाके तकिया पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवाना ने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आदमी गया था वली के दरबार, तो बाउल हक जकरिया मुल्तानी के पास बेटा बच्चा मांगने, तो बाउल हक जकरिया मुल्तानी बाहया थे। एक औरत गई, कहा बाबा मेरा बाल बच्चा नहीं होता है, अब दुआ कीजिए का वो बाल बच्चा हो जाए। बाउल हक जकरिया मुल्तानी ने आंख बंद किया, आंख बंद करके खोला, कहे तुम्हारे किसों में बाल बच्चा नहीं है। औरत रोते रोते जाने लगी, उसका बेटा पोता शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो धूल धूल बालू बालू बच्चों के साथ छोटा बच्चा था, खेल रहा था। कहा आप अभी जा रहे थे हंसते हुए रोते हुए आ रहे, कहाँ से? बोले तुम्हारे दादा के पास गए थे। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा बाल बच्चा मेरा नहीं है, मैं बे औलाद हूँ। मैंने कहा वो बाल बच्चा तुम्हारे दादा से दुआ करवा के लेंगे। कहा मेरा दादा ने क्या कहा? कहा आंख बंद किया, कहा तुम चली जाओ वापस, तेरे किस्मत बाल बच्चा नहीं है। तो शाह रुकनुद्दीन ने कहा कि वो बात हम तुमको सिखाते हैं, मेरे बारे में मत बोलना। हाँ बोला क्या? कहा कि तुम जाके कहना मेरा दादा से कि सुनो, अगर ये बाबा अगर किस्मत में बाल बच्चा होता तो घर बैठे अल्लाह दे देता, नहीं है इसीलिए आई हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं है इसीलिए तो आई हूँ। उसने सोच लिया, शाहरुख ने बाबा बाउल हक जकरिया मुल्तानी समझ गए कि मेरा पोतवा उम्र छोटी है, बात बड़ी कर रहा है, सिखाया वही होगा, अल्लाह के वली हैं, जान जाते हैं। कहा कि जा, 1, 2, 3, 4 जा, 5, 6, 7 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 7 बच्चे की माँ बनी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में आओगे तो दिल से जाना कि बाबा दादा फतेह अली के यहाँ जा रहे, कुछ दुआ करेंगे, दिल से मांगेंगे। अब यहाँ सेल्फी खिंचवाओ, वहाँ जाके झूला झूलो, है न, मिठाई किने खाओ, यदा भूया मेदा धरती हमदा रकवाम यदा थथनुआ मेदा एगो हरा गए को खोजल भरा गए, बोल नुनिया कहाँ हो, बोल नहीं पाओ।
मजार आता है लोग आजकल घूमने के लिए, आओ दिल से मांगो देखो नहीं मिलेगा, अभी मांगो अभी मिले। बेशक वली के दरबार में थोड़ा कमी है, लेकिन मांगने का ढंग चाहिए। जब इंसान मांगने लगता है तो इंशाल्लाह मिल जाता है। वक्त बहुत ज्यादा हो गया जी, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, और थोड़ी देर बोल दे। अरे भैया थोड़ी देर और बोले, माँ बहने बैठी दो चार बातें उन लोगों के लिए। देखिए इतना बड़ा जलसा हो रहा है, इतना बड़ा खर्चा हो रहा है, ओलमा आ रहे हैं, बाजा है, लाइट है, कमेटी खर्चा है, और कमेटी बेचारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ढाका और दिगर अगल बगल के बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप बाबा से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, रमजान का पवित्र महीना है। अच्छा ये बात बताइए, कोई ऐसा एक दीवाना है यहाँ पे बैठा हुआ जो दाता फतेह अली शाह के नाम पे, इनके दरबार के वास्ता नाम पे कोई एक आदमी है कि पंजतन पाक के नाम से 500 रुपया दे के दिखा दे और ये पैसा दाता बाबा के बारगाह में जाएगा? है कोई इंसान ऐसा? है एक भी कोई मर्द मुजाहिद ऐसा एक भी आदमी है? मिलेगा नहीं जाने लगा। अरे नारे तकबीर, क्या नाम है? मजबूल हसन। वाह सुभान अल्लाह, अरे माशा, देखिए एक आदमी ने दे दिया, एक और आ रहा है, ये मुफ्ती सलीम का। अरे माशाल्लाह, देखिए तो क्या नाम हो गया, मोहिउद्दीन अंसारी आपका, उस्मान मियां पूछा हम। देखिए मैंने एक आदमी को कहा था, ये यहाँ तो तीन तीन आदमी आ गया है। अरे एक आदमी और आ गया है माशाल्लाह, क्या नाम? रेहान। ये देखिए दाता फतेह अली शाह के नाम पे चार आदमी, चार आदमी, और मैंने पंजतन पाक का वास्ता दिया था। एक आदमी और अगर हो जाता तो 500 भी होता और पंजतन पाक का सदका होता। वो एक आदमी ऐसा है बाबा के नाम पे, अरे झारखंड के नाम पे क्या रखा है, सलामतुल्लाह के नाम पे क्या रखा है, ओलमा के नाम पे। अरे वो दाता है जिनसे चाहेगा दिला देगा, और फतेह अली शाह उससे ज्यादा उसे नवाज देगा। सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए कोई ऐसा एक आदमी है, कोई ऐसा आदमी है, कोई एक आदमी है इधर से मुड़ा खोखरो, कितना मुड़ा खोखरो पूरे देखेंगे इतना जब कहे अभी तकरीर, अभी तो बोले कहा एक घंटा बोले, और आज जिस तकरीर मेरी हो गई हमको नहीं लगता दोबारा इस तकरीर हो पाएगी। जी जी, अगले बार भी तकरीर हुई थी, आज भी हुई है, दोनों तकरीर हटके हुई, और माशाल्लाह फिर थोड़ी एक घंटा बोलेंगे। बोला है कि 1:30 बजे तक, तो 1:30 बजे तक बोलेंगे। अभी वो सब कहाँ बोले हैं? अभी बने, अभी सास पर ससुर पर तकरीर बाकी है क्या? अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी लड़का ने फरमाइश किया था, मौलाना साहब सास वाला कहिएगा के लिए कह देंगे, तो कम से कम चार आदमी हुआ। अच्छा चलिए 500 नहीं सही, 200 सही, 2100 सही, 85% सही, अगर ये तो बाप दे सकते हो। दाता फतेह अली शाह के नाम पे आपने इतना खर्चा किया, मिठाई खरीदे, सामान खरीदा, सब खत्म होगा, लेकिन बैंक ऑफ इलाही दाता फतेह अली शाह के दरबार में जो जाएगा वो जमा होगा, और तुम दे दोगे तो दाता फतेह अली शाह वली का करम होगा, उससे कितना गुना ज्यादा तुम्हें मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 150 देखिए देना होगा, नहीं दोगे तो जाएगा कहाँ से, कमेटी का खर्च। माँ बहने हेलो, दो वो लड़का है, दो लड़का है भाई, वो कमेटी का दो लड़का माँ बहने बैठे रहे, आप 10-20-150 उसी में दे के जाए, दो गमछा लेके जाओ, फिर से बैठा दो उठाओ, दो गमछा लेके जाइए। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, दो लड़का फोन उठो, फोन उठो, छोटा छोटा बच्चा, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, क्या नाम हो? अन्नत कमेटी श्री अमला। अरे माशाल्लाह, ये 500, दो बच्चा जाओ, दो माँ बहने आप लोग बैठे रहे, तो तकरीब फिर होगी, अभी तकरीब खत्म हुई कहाँ, दो घंटा बोलना है, अभी माँ पर, बाप पर, सास ससुर पर, अभी पेक वाला फरमाइश किया है, लेकिन कहाँ कहलाए कहा। अरे माशाल्लाह, अभी बहुत बाकी है, अभी तो अलग हिसाब से बात किया गुफ्तगु। ये माँ बहने जा रहे, अभी बेटा जा रहा है, माँ बहने एक टका नहीं छूटना चाहिए, सब औरतें 5-10% सही। अभी ईद में अभी कितना खरीदारी कीजिएगा, मारे पूरा खरीदारी करें, लेकिन दाता फतेह अली शाह के यहाँ भी कुछ दे दे, 10-20 दे के जाओगे ना तो रमजान में बरकतें होगी, आपके कमाई में होगी, त्योहार खुशी से मन जाएगा। ये मत सोचना अरे 200, 100, 100 माशाल्लाह, 100 रुपया फौरन निकाल के, 100 रुपया और एक आदमी आ रहा है, देखिए चाचा आ रहे हैं, एक भाई साहब आ रहा है, ओ भाई साहब उधर, अरे देखिए 100 रुपया दे दीजिए इसको, लीजिए ये है,
ये यहाँ से दे दीजिए, लीजिए माशाल्लाह, इनको दीजिए 200 रुपया माशाल्लाह, 150 आप फौरन ला के दे। ये तो मैं आज आज मेरा आना मकसद नहीं था, मैंने कहा कि दो चार दिन पहले बोले हैं जी जी, मैं परेशान भी हूँ, रमजान का महीना है, कहा हजरत आपको लोग चाह रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब चाह रहा है तो उनको आना होगा। और आज की गुफ्तगू माशाल्लाह इस्लाह मुआशरा पर, माँ बहनों पर अच्छी गुफ्तगू हो गई, इन्हीं बातों पे अगर आप लोग अमल करेंगे, बस 10-20-50 देंगे। चचा उठ गया, ये चचा उधर आइए, आप लोग जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है 10 रुपया सही लेकिन दे के जाइए, 10-10 रुपया सही लेकिन दे के जाइए, 20% है लेकिन दे के जाइए, नहीं दोगे तो ये मजार की तामीर है, काम है, ये सब कहाँ से बनेगा, कोई जिन्ना तोला के नहीं देगा भैया, आप ही को देना होगा, नहीं है तो हाथा मिलेगा जो खाली हाथा ऐसी मिला ले है ना, चल जो, अरे माशाल्लाह सब बचा, ये है खर्चा हो जाएगा, सुबह होते होते खर्चा हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा, बेटा जाओ माँ बहने जल्दी जल्दी जाओ, उधर जाओ उधर जाओ, जल्दी जल्दी उसमें डाल दीजिएगा 10-20-150 माशाल्लाह बहुत अच्छा है। माँ बहने आप देखिए, एक मरतबा नबी की बेटी फातिमा थी ना, तो फातिमा घर में बैठी हुई थी और बैठी थी नबी के दामाद मौला अली जा रहे थे बाजार, फातिमा ने कहा कि बाजार जा रहे हैं, हमको बड़ी मन करता है अनार खाने का, कहा ठीक है हम अनार को लेते आएंगे, बड़ी मुश्किल से अनार खोज के लाया था, हाँ लेकिन फकीर ने मांगा तो अल्लाह के नाम पे दे दिए, तो याद रखना जब अल्लाह के नाम पे कोई एक देता है बदले में उसे 10 देता है। बेशक माशाल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब है जी जी बिल्कुल, और याद रखना माँ बहने आप अपने जाए और रमजान की कदर करें, इस महीने में जो सेहरी बनाता है उसको सवाब है, जो सेहरी के लिए जगाता है उनको सवाब है, जो सेहरी का इंतजाम करता है उन्हें सवाब है, रमजान का इतना पवित्र महीना है, जल्दी जल्दी हेलो हो भाई साहब आई जाइए, आप लोग आइए जल्दी जल्दी आइए, देर मत कीजिए, देर की जगत नहीं होगा, फिर मेरी तकरीर शुरू होगी, अभी हम आमी फिर तकरीर शुरू होगी, देर होगी तकरीर कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बैठ जाइए दे दे करके, फिर मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी, अभी तकरीर और मेरी होगी, एक घंटा और बोलना है आप।